कवि कालिदास ने अपनी किसी भी कृति में अपना परिचय पूर्ण रूप से नहीं दिया है, इसलिए उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं पूर्ण विराम होता ही है। उज्जैन स्थित अखिल भारतीय कालिदास परिषद ने अपने सतत परिश्रम और खोज के आधार पर प्रायः सभी विवादग्रस्त बातों का हल निकाल लिया है। कालिदास चित्र के निर्माण में हमने परिषद का ही अनुसरण किया है। सिंध फिल्म अपने परिवार सहित परिषद के सभी विद्वान सदस्यों और विशेष रूप से उसके सभापति पद्मभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास का हृदय से आभारी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया है। हाँ, तो कल का पाठ याद किया तुम लोगों ने? शाबाश शाबाश। अच्छा तो बेटा तेजू, बताओ तो काशी और प्रयाग के बीच कितने कोस का अंतर है? तेजू, मैं तुझसे पूछता हूँ, सुनता नहीं है क्या? जरा जोर से बोलिए गुरुजी। मैं पूछता हूँ, काशी और प्रयाग में कितने कोस का अंतर है? प्रयाग क्यों मशहूर है? वहाँ के अमरूद बहुत मीठे होते हैं। ये पाठशाला है, पनवाड़ी की दुकान नहीं। बोला, तू बता, तू बता किशोर। मंगल बता। मैं बताऊं गुरुजी? काली, तू बताएगा? अच्छा बता। काशी और प्रयाग के बीच में 4 अंगुल का अंतर है गुरुदेव। 4 अंगुल का? कल मैंने तुझे यही बताया था। हाथ आगे कर। मार पड़ रही है काली पर और जान तेरी निकली जा रही है। एक तो प्रार्थना हो जाने के बाद फूल लेकर आई और उसे सारा का सारा जमीन पर गिरा दिया। चल उठाई से और निकल जाए यहाँ से। अरे ये काली के मुंह की तरफ क्या देख रही है? चल उठाई से, निकल यहाँ से। चल, मैं कहता हूँ चल। तो काशी और प्रयाग के बीच 4 अंगुल का अंतर है। 4 अंगुल का है? तेरा मन तो लगा रहता है उस मालन की छोकरी में। तू पढ़े लिखेगा क्या? आख जा, पहले जी भर के उसके साथ खेल ले, फिर आना हमारे पाठशाले में। चल उठा बस्ता, निकल यहां से। काशी और प्रयाग के बीच 4 अंगुल का अंतर है। मूर्ख ही का, सत मूर्ख, वज्र मूर्ख। ओ काली, काली। अरे बहरा हो गया क्या? अरे तू तो रो रहा है, क्या चोट बहुत लग गई है काली? ये बात नहीं है पुष्पी। फिर गुरुजी, वालन माँ, गांव वाले मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? इसलिए कि तेरी खोपड़ी में भेजा नहीं है। भेजा? हाँ पुष्पी, तेरी माँ कल बाजार जाने वाली है ना? हाँ। तो मेरे लिए भेजा मंगवा देगी? तू हंस क्यों रही है? गोबर गणेश, भेजा बाजार में नहीं मिलता। तो फिर कहाँ मिलता है? ए तो मैं भी नहीं जानती, माँ से पूछ कर बताऊंगी। चल अभी घर चल। मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? वालन माँ पूछेगी इतनी जल्दी घर क्यों लौट आया, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? बाप रे बाप, उसका तो मुझे ख्याल नहीं था,
बुती है बुती। अरे कालिए, क्यों रे ये क्या कर रहा है? पुस्तक घोट रहा हूँ माँ। पुस्तक घोट रहा है क्यों? पढ़ने से मुझे कोई चीज याद नहीं रहती माँ। पुष्पी ने कहा है कि पुस्तक घोट के पी जा, फिर देखे लोग तुझे कैसे मूर्ख कहते हैं। माँ मुझे इसमें मिलाने के लिए थोड़ा सा गुड़ दोगी? गुड़ क्यों मेरे लाल, मैं तुझे मिश्री दूंगी। इधर आ माँ, इधर आ माँ। है अरे पुष्पी तुझे कहेगी कुएं में डूब मर, तू डूब मरेगा? हे भगवान, तूने इसको ब्राह्मण के घर में क्यों जन्म दिया? मेरे नाना के घर में क्यों ना पैदा किया? भगवान मैं क्या करूँ, आज से तेरा पढ़ना लिखना बंद, समझे? जंगल में जा, गाय भैंसे चरा, लकड़ियां काट के ला, यही तेरे भाग्य में लिखा है। अरे ये क्या कर रहा है? जीत जा पर खड़ा है, उसे तो काट रहा है। नीचे उतर, उतर ना। धूप निकल आई, पाठशाला नहीं जाएगा? मेरा पाठशाला जाना बंद हो गया पुष्पी। क्यों? तूने कहा था ना पुस्तक घोट के पी जा, मैं वही कर रहा था। माँ ने देख लिया, खूब पीटा और मेरा पाठशाला जाना बंद कर दिया। तो बाप बाप में छोकरी को तराना पड़ता है। पुष्पी अब मैं पंडित नहीं बन सकता, लोग मुझे मूर्खी कहते रहेंगे। लोग जाए चिल्ले में, मैं तो तुझे मूर्ख नहीं समझती। चुप हो जा, चुप हो जा ना, देख कली फिर मैं भी रो पड़ूंगी। अरे तू तो सच रो रही है। तूने कैसा छेड़ा गीत तूने, मैं
अपनापन भूल रहे, कभी है धरती कभी है धरती कभी गगन है ऐसा झूला झूल रही। सज के जगत की लाज, सज के जगत की लाज हुई मैं आज तेरे अधीन रे। मीठी मीठी जादू की बजाए कोई दीन रे, मीठी मीठी जादू की बजाए कोई दीन रे। दूर देश से कोई सपेरा आया गीत क्या गाया प्रिया मन छीन रे। मीठी मीठी जादू की बजाए कोई दीन रे, मीठी मीठी जादू की बजाए कोई दीन रे। इसका यहाँ रहना इस गांव की इज्जत के लिए खतरा है पंडित जी। ब्राह्मण का लड़का और मालन की लड़की से प्रेम करे, निकाल दो इसको, निकाल दो। इसी वक्त निकल जा। ये लो माँ उसके कपड़े। ये ले तेरे कपड़े और चला जा। अरे इधर बिधर क्या देख रहा है, सब चीजें इसमें रख दिए, चल जा। देखा पंडित जी अपना पेट काट काट के इसे बड़ा किया, आज हम दोनों की जान का लेवा हो गया। हे भगवान कैसा कलयुग आ गया, देख लो अब तुम। अब क्या है, घर से तो निकाल दिया, अब जरा आशीर्वाद तो दे दो ना। आशीर्वाद तुझे दे दूं? तू यही पड़ा रहा, तेरे भाग्य में यही लिखा है, खबरदार जो फिर मेरे घर में कदम रखा। जा सारे गांव में जाकर उस नागन को लेके बीन बजा, मौज कर, जा चल बेटा, तुम्हारे भाग्य में भी यही लिखा है। काली को घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया, कहाँ है वो? काली,
खुद बेसहारा हो गया हूँ पुष्पी। माँ ने मुझे घर से बाहर निकाला। घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन गांव तो उसके बाप का नहीं। गांव में कहाँ रहूंगा पुष्पी, कोई धर्मशाला भी तो नहीं। तू मेरे घर को अपना घर नहीं समझता काली। गांव वाले हम दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं करते पुष्पी, एक साथ रहेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मेरे साथ? हाँ। नहीं पुष्पी, ये नहीं। क्यों? मैं तो मर्द हैरा, कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी, रोका सूखा खाकर कहीं भी सड़क के किनारे पड़कर सो रहूंगा। लेकिन तू तो? काली, जहां तू सोएगा वहां थोड़ी सी जगह मुझे भी मिल जाएगी। पुष्पी, तू क्यों मेरे लिए दुख उठाना चाहती है? तेरे साथ रहकर दुख भी मेरे लिए सुख बन जाएगा, जहां तू वहां मैं। अच्छा, कहां चलेंगे हम लोग? हमें किसी ऐसी जगह चलना चाहिए पुष्पी, जहां मजदूरी करने के बाद मैं पढ़ भी सकूं। तू चल, हम लोग काशी चलेंगे। काशी? महाराज काशी नरेश की जय। महाराज, महारानी, प्रजा की जय जयकार जीवन भर सुननी है, कभी मेरी भी तो पुकार सुनिए। क्या बात है महारानी? आज आप महामंत्री को वर ढूंढने के लिए भेजने वाले थे ना? वर ढूंढने से क्या लाभ होगा, विद्योत्तमा तो उसी से ब्याह करेगी जो शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा। आज तक कोई हरा न सका, अगर भविष्य में भी कोई हरा न सका तो क्या होगा महाराज? क्या आप उसे जीवन भर कुंवारी रखेंगे? यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है महारानी। लड़की को स्तर पर चढ़ाने से यही होता है महाराज, आपने अधिक पढ़ा लिखा कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। शास्त्रार्थ में होने वाली विजय ने उसे हठी बना दिया। सहनशीलता और विवेक के बजाय उसमें अभिमान और क्रोध बढ़ता जा रहा है। मूर्ख गवार, भारत के बड़े बड़े पंडितों का अभिमान चूर करने वाली राजकुमारी, इन्हीं फूलों और गदों से सबका शास्त्र भर में जाएगी। राजकुमारी, चुप रहो। हार श्रृंगार कचनार जूही चंपा, ये सब फूल कहां हैं? राजकुमारी ने बुलाया है। राजकुमारी ने मुझे? हाँ हाँ, चलो। राजकुमारी की जय। तुम्हारा नाम? पुष्पावली। वाह, चेहरे की तरह नाम भी बड़ा प्यारा है। श्रृंगार करना जानती हो? मालिन की छोकरी, ये कला तो माँ के पेट से ही सीख लेती है। अच्छा, तो मेरे रूप को सजाकर दीपशिखा बना सकती हो? कुछ और कहिए राजकुमारी, दीपशिखा तो हवा के झोंके से कांपने लगती है। बहुत अच्छा। पुष्पा, तुम फूल बेचना छोड़कर मेरे पास चली आओ। आपके पास? हाँ हाँ, मेरे पास, मेरी सखी बनकर। सखी? आपकी? क्यों, तुम्हें मेरी सखी बनना पसंद नहीं? राजकुमारी, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। चल सखी, जल्दी से मेरा श्रृंगार कर दे, शास्त्रार्थ भर में लोग मेरी प्रतीक्षा करते हैं। Thank you.
सज्जनों, शास्त्रार्थ की शर्त तो आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी नियम के अनुसार हम उसकी घोषणा किए देते हैं। राजकुमारी उसी से ब्याह करेंगी जो इन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा, और जो लोग हार जाएंगे उन्हें महल में कोई ना कोई सेवा का कार्य करना होगा। आप लोगों को शर्त स्वीकार है? स्वीकार है। राजकुमारी प्रश्न पूछिए। आदमी के जीवन में अधिक महत्व किसका होता है, कर्म का या भाग्य का? भाग्य का। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब मनुष्य का भाग्य साथ नहीं देता तब उसकी विद्या बुद्धि पुरुषार्थ सभी व्यर्थ हो जाते हैं। मैं इस बात को नहीं मानती, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं, कर्म ही जीवन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता जैसे अमर ग्रंथ का भी यही संदेश है। किसी का संदेश सुनाने से काम न चलेगा राजकुमारी, प्रमाण दीजिए। आप इतने बड़े दार्शनिक कैसे बने? पुस्तकों का अध्ययन करके। पुस्तकों के अध्ययन का आप कर्म समझते या नहीं? अवश्य समझता हूं। इसका मतलब है आप भाग्य के भरोसे इतने बड़े पंडित नहीं बने, बल्कि पंडित बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ा, ठीक है ना? राजकुमारी आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन भाग्य ही बलवान होता है, इसका मैं आपको दूसरा प्रमाण भी देता हूं। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने श्री राम के ब्याह का मुहूर्त निकाला था, और वो मुहूर्त ऐसा था जिसमें पति और पत्नी का वियोग हो ही नहीं सकता था, फिर भी सीता को राम से अलग होना ही पड़ा। ये भाग्य नहीं तो और क्या था? असंभवम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। आज तक न संसार में सोने का हिरण पैदा हुआ है और न होगा, फिर भी श्री राम ने हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करना एक कर्म था, और उसी कर्म का परिणाम पति पत्नी को भुगतना पड़ा। आदमी के जीवन में जो अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं वो सब उनके कर्मों का फल होता है, भाग्य का नहीं। गुरुदेव आप तो इस तरह चुप हो गए जैसे जन्म के गुम गए। शास्त्रार्थ की शर्त याद है ना, कहीं ऐसा वैसा काम सौंप दिया। पंडित महाशय मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगी, अगर उसका भी सही उत्तर न दिया तो आपको पराजय स्वीकार करनी होगी। आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। मुझसे शास्त्रार्थ करने का मतलब यही है ना कि आप मुझे हरा कर अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? ये केवल मेरी ही इच्छा नहीं है राजकुमारी, बल्कि यहाँ जितने पंडित आए हुए हैं। दूसरों की बात छोड़िए, लेकिन आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आप तो भाग्यवादी है पंडित महाशय, यदि आपके भाग्य में मुझ जैसी पत्नी का पाना लिखा होता तो मैं स्वयं आपके आश्रम में चली आती। लेकिन बात यह है राजकुमारी। पंडित महाशय आप मुझे हराने के लिए शास्त्रार्थ अर्थात कर्म करने आए हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप भाग्य में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं। हाय हाय, घुमाते घुमाते कहां से कहां लाके पछाड़ा है राजकुमारी ने। गुरुदेव मारी तो चल रही है ना? देख लिया, वो झटका दिया है कि गर्दन सीधी नहीं होती। बाप दादे तुम्हारे मर गए और ये आए थे राजकुमारी से ब्याह करने। पंडित महाशय आपने जरूरत से अधिक समय लिया, उत्तर दीजिए नहीं तो पराजय स्वीकार कीजिए। राजकुमारी मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। चंपा इन्हें महल में ले जाकर कोई काम सौंप दो। चलो पुष्पा। अच्छा राजकुमारी आप सब कुछ उसी से ब्याह करेंगी जो आपको शास्त्रार्थ ने हरा देगा? हाँ, अगर किसी 100 साल के बूढ़े ने हरा दिया तो मैं उसी से ब्याह करूंगी। हाय दैया रे दैया, 100 साल के बूढ़े से? ना ना राजकुमारी आप ये शब्द बदल दीजिए। क्यों? इस
दीजिए कि पूनम के चांद को ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे? अरे सुहाग रात को जब वो बुढ़ा बाहें फैलाकर कहेगा, प्यारी मेरी पुतली, मेरी आंखों की पुतली, तब आपकी क्या हालत होगी? ये तो अनुभव करने के बाद ही मालूम होगा। मैं जानती हूँ अनुभव बहुत बुरा होगा। अच्छा तो अब मैं समझी, तेरा पाला किसी बूढ़े से पड़ चुका है राजकुमारी। हाय, तेरी आंखों के गुलाबी डोरे देखकर मेरा भी दिल धड़कने लगता है, फिर पुरुषों का क्या होगा? सखी मुझे भी इस तरह शर्माना सिखा देना। शर्माने की कला यूं नहीं आती राजकुमारी जी, पहले कोई चिच्चू पैदा कीजिए। तो तूने कोई चिच्चू पैदा कर लिया है क्या? हाँ। अच्छा तू देखने में कैसा है? किसी दिन दिखा दूंगी। उनका नाम क्या है? हाय तैयारी दैया, कोई अपने मुंह से चिच्चू का नाम लेता है क्या? वैसे लोग उन्हें महापंडित कहते हैं। भैंस तेरे की, सारे दिन रखन पट्टी की पौने तक न हुई। अगर पुष्पी के गजरे भी न बिके होंगे तो बस आज के दिन एकादशी का व्रत ही करना पड़ेगा। एकादशी का व्रत मनाए हमारे दुश्मन, वो घर ढूंढ निकाला है काली कि हम हमारे बच्चे के बच्चे साथ हुए, तब कोई चिंता नहीं। मुझे नौकरी मिल गई है काली। कहाँ? राजकुमारी विद्योत्तमा ने मुझे अपनी सहेली बनाकर रख लिया है। अच्छा राजकुमारी कैसी है पुष्पा? देखने में मिश्री की डली, स्वभाव शहर की तरह, और पढ़ी लिखी तो इतनी है काली कि बड़े बड़े पंडित उनके सामने घास छीलते हैं। पुष्पी एक काम करेंगे क्या? तू मुझे भी वही नौकर रखवा देना। तू वहाँ क्या करेगा? जो तू करती है वही मैं कर लिया करूंगा। मैं तो उनका श्रृंगार करती हूँ। मैं भी वही किया करूंगा। बुद्धू कहीं का, वो मर्से कैसे श्रृंगार करवाएंगे? क्यों? हे भगवान, अगर मैंने बिल्ली पाल रखी होती तो वो भी अब तक आदमी बन जाती, लेकिन तू तू समझी नहीं पुष्पी, राजकुमारी पढ़ी लिखी है, उनके यहाँ नौकरी करने से मेरा मतलब है। बस 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 बस, मैं समझ गई, पढ़ने लिखने की बात तो दूर रही। अरे काली तू उनके सामने निगाह उठाकर देख भी नहीं सकता, आज उन्होंने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को हरा दिया। तुम हमारे पट शिष्य हो शिवनाथ, तुम्हारे पांडित्य पर मुझे अभिमान था। कितनी लज्जा की बात है कि शास्त्रार्थ में तुम एक स्त्री से हार कर आए हो। हार की चोट तो समय के मरहम से अच्छी हो जाएगी गुरुदेव, सिर पर सेवा की नंगी तलवार लटक रही है, उससे जान बचाइए। तुम्हें कौन सा काम दिया गया है शिवनाथ? कहते हुए लज्जा आती है आचार्य, मुझे बर्तन मांजने वालियों का सरदार नियुक्त किया गया है। और तुझे? दुहाई है गुरुदेव की, मुझे घोड़ों के लिए घास छीलने का काम सौंपा गया। ये देखिए भी चलाते चलाते हाथों में थाले पड़ गए। पंडितों का ये अपमान, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, राजकुमारी को शास्त्रार्थ में हराकर उसका जश्न नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसका अभिमान चूर करना ही होगा। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? आप भी कुछ बहुत बड़े मूर्ख मालूम होते हैं, देखते नहीं डाल काट रहा हूँ। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तू जिस डाल पर खड़ा है उसी को काट रहा है, नीचे न गिर पड़ेगा। ओहो, मैं भी कितना बड़ा बुद्धू हूँ। न जाने कितने लोग यहाँ से आए गए, लेकिन किसी ने मेरा ध्यान इस ओर नहीं खींचा। आपने तो सचमुच
मेरी जान ही बचा दी। महात्मा जी, मैं भी आपके साथ चलूं। मेरे साथ? हाँ, क्यों? यहाँ पर सब लोग मुझे मूर्ख कह के मेरा अपमान करते हैं। मैं पढ़ लिख कर पंडित बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो गांव छोड़कर यहाँ आया था। अच्छा, तेरा नाम क्या है बेटा? काली। काली, अगर मैं तेरे पढ़ने का प्रबंध यहाँ की राजकुमारी के पास करा दूं तो? राजकुमारी के पास? आपने तो मेरे मन की बात कह दी महात्मा जी, लेकिन वो मेरे साथ सरफोड़ी क्यों करेगी? मैं उसके साथ तेरा ब्याह करा दूंगा। मेरा ब्याह? हाँ, राजकुमारी के साथ। हाँ, वो बहुत पढ़ी लिखी स्त्री है, और कोई पढ़ी लिखी स्त्री अपने पति को मूर्ख नहीं रहने देगी। उसे झक मार कर तुझे पंडित बनाना पड़ेगा। तब तो मैं जरूर ब्याह करूंगा, पंडित बनने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। तो चल मेरे साथ। नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम करने जा रहा हूँ कि साथ तो क्या आने वाली 15 पीढ़ियों तक रोटी की चिंता न रहेगी। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा मैडम मानने जा रहा है? राजकुमारी से ब्याह करने जा रहा हूँ। क्या कहा? हाँ, जरा जोर से तो बोल। कहीं राजकुमारी से ब्याह करने जा रहा हूँ। राजकुमारी से ब्याह? ये मुंह और बसूर की बात, सवेरे सवेरे किसी ने भंगवान तो नहीं पिला दी तुझे? अरे बुद्धूलाल, राजकुमारी उससे ब्याह करेंगी जो उन्हें शास्त्रात में हरा देगा। तुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता। इसीलिए तो मैं उनसे ब्याह करने जा रहा हूँ। तू ही बता पुष्पी, ब्याह के बाद कोई भी पढ़ी लिखी स्त्री अपने पति को मूर्ख रहने देगी? राजकुमारी को झक मार कर मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा, अच्छा, अब तेरे साथ कौन माथाखोरी करे? लेकिन किसी ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया तो मेरे पास आके पूछवाने मत आना। जा। आ बेटा। पुष्पी, अगर राजकुमारी से मेरा ब्याह हो गया तो तुझे खुशी होगी या नहीं? खुशी? ओह, बहुत खुशी होगी काली। मैं ढोलक बजाकर गाऊंगी, नाचूंगी, अपने हाथों तेरे सर पर ब्याह का मोर सजाऊंगी, और तू पढ़ लिख भी हो जा, यही तो मैं चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, विजयी भव। जा। चलिए गुरु। मूर्ख कहीं का। प्रणाम आचार्य। विराज जी, आज आप भी शास्त्रार्थ करने चले आए? नारी के मुंह ने इस अवस्था में भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। ये बात नहीं है राजकुमारी, मुझे अपने शिष्य के साथ आना पड़ा। आज यही आपके प्रश्नों का उत्तर इशारों से देंगे। इशारों से? ऐसा क्यों? आज इनका मौन व्रत है। फिर तो आपने इन्हें नाहक कष्ट दिया, शास्त्रार्थ कल भी हो सकता है। यही तो कठिनाई है राजकुमारी, कल प्रातःकाल ही ये विंध्याचल के लिए रवाना हो जाएंगे। ओह, ये तो बड़े धर्म संकट की बात है। यदि शास्त्रार्थ करने से इनकार कर दो तो न जाने पंडित से अपने मन में क्या सोचेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राजकुमारी, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको शास्त्रार्थ करना ही चाहिए। अच्छी बात है, तो मैं भी इशारों से ही प्रश्न पूछूंगी, और वो भी केवल दो। स्वीकार है, पूछिए प्रश्न। राजकुमारी,
आपका प्रश्न था कि ब्रह्म एक, जिसके जवाब में हमारे शिष्य ने दो उंगलियां दिखाई, इसका अर्थ है कि ब्रह्म एक अवश्य, परंतु उसके स्वरूप दो, एक निराकार जो दिखाई नहीं देता और दूसरा साकार जो दिखाई देता। मैं आपके शिष्य के तर्क की प्रशंसा करती हूँ, मुझे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन अभी एक प्रश्न और है। राजकुमारी जी, आपका प्रश्न था पंच महाभूत, अर्थात जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी को ही ब्रह्म कहते हैं। जी हाँ। जिसके उत्तर में हमारे शिष्य ने आपको मुट्ठी बांधकर दिखाई, इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पांचों उंगलियां इकट्ठा होकर मुट्ठी का रूप धारण करती हैं, उसी प्रकार पंच महाभूत इकट्ठा होने पर ही ब्रह्म के रूप को प्राप्त होता है। आपको कोई आपत्ति? जी नहीं, मुझे अपने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। मौन व्रत धारी पंडित की जय। मौन व्रत धारी पंडित की जय। मौन व्रत धारी पंडित की जय। दाता निंकार दो अंति देवा, यत्रानक तत्राजारा संतानु नाम्मा पुत्रा। पुष्पा, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी से मुझे सजा दे, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रतीक्षा तो मिलन के आनंद को बढ़ा देती है राजकुमारी, लेकिन मैं अपने आनंद के लिए तेरा आनंद कम करना नहीं चाहती। तुझे भी तो घर जाना है, तेरा चितचोर आंखें बिछाए बैठा होगा, ठीक है ना? चल पुष्पा, सच बताना, क्या तेरा चितचोर मेरे पंडित से भी ज्यादा खूबसूरत है? नहीं राजकुमारी, ये तुझे पसंद है ना? बहुत। हाँ, तेरी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे बड़ा डर लगता है, कहीं छिप छिप पर डोरे तो नहीं डालेगी उन पर? राजकुमारी, अरे तू तो नाराज हो गई, मैं तो हंसी कर रही थी। कभी कभी किसी की हंसी दूसरे के लिए आंसू बन जाती है राजकुमारी। मेरी अच्छी सखी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जानती हो आज मैं कितनी खुश हूं, मुझे वो धन मिला है जिसके लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी तरसती हैं। अपने आप को हार कर मैंने उन्हें पाया है, उन्हें पाया है, वो मेरे हैं और मैं उनकी। आज मेरे सौभाग्य पर चांद और सितारे भी बधाई दे रहे हैं, है ना पुष्पा? झर झर नीर बहा।
कितनी रात आज की कीजिए, मैं समझा कि मेरी पुष्पी है। पुष्पी? ये पुष्पी कौन है? अच्छा, अब आप सो जाइए। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बात यह है कि आपके रसोइये ने खाना खिलाने के बाद 20 लड्डू और खिला दिए। मेरा गला सूखा जा रहा है, बड़ी प्यास लगी है। पानी तो आपके पास ही है। कहाँ है? आपके सामने। सामने? ओह, वो रहा पानी। ठहरिए, मैं देती हूँ पानी।
यहाँ क्यों आ गए? भीतर चलिए। ना बाबा ना, भीतर मुझे बहुत गर्मी लगती है। मैं पंखा दिलाऊं। आइए। आप? नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करेंगी? किसी दासी को बुलवा लीजिए। दासी? क्यों, कोई पाप लगता है? जाइए, आप तो हंसी करते हैं। चलिए उद्यान में चले, वहां चलकर हवा खाएंगे। नहीं नहीं राजकुमारी, मुझ पर नहीं तो इस पेट पर तो दया कीजिए। आप ही सोचिए, अगर हवा खाने की जगह होती तो क्या चार लड्डू और न खा लेता? मालूम होता है आपने श्रृंगार शास्त्र नहीं पढ़ा। शास्त्र? आहा, आपने खूब याद दिलाई। मतलब की बात तो मैं कहना नहीं भूल गया था। देखिए ना, अधिक खाने से यही हाल होता है। कौन सी मतलब की बात? वही तो, जिसके लिए ब्याह किया था। जाइए। जाऊं क्यों, पढ़ लिख कर मुझे विद्वान जो होना है। अच्छा तो आप मुझे पढ़ाना कब से शुरू करेंगे? पढ़ाना? मैं मूर्ख जो हूँ यही तो उस बंधु ने कहा था, और इसीलिए तो मैंने आपसे ब्याह किया। तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मूर्ख हो। फिर तुमने मुझे शास्त्रार्थ में हराया कैसे? बोलो, जब मैंने एक उंगली उठाई तो तुमने क्या समझ कर दो उंगलियां उठाई थी? अरे वो भी कोई बात थी, आप मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती थी। मैंने आपको इशारे से बताया कि मैं आपकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और फिर जब आपने मुझे तमाशा दिखलाया तो मैंने भी आपको गुस्सा दिखला दिया। मूर्ख गंवार, यही तो सारी दुनिया मुझे कहती है। धोखा, सरासर धोखा। सुबंधु ने पंडितों के अपमान का बदला लेकर एक मूर्ख से मेरा विवाह कर दिया। ढोंगी मौन व्रतधारी महापंडित, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊं? हाँ। कहाँ? मेरी आंखों से दूर, मेरी कल्पना से भी दूर। तुम एक बिना सिंह के पशु हो, तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने, मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। राजकुमारी, मैं मूर्ख जरूर हूँ पर कायर नहीं जो तुम्हारे क्रोध से डर जाऊंगा। मुझे सुबंधु ने बताया है कि ब्याह के बाद स्त्री पर पुरुष का पूरा अधिकार होता है। मेरा तुम पर पूरा अधिकार है, इस महल पर अधिकार है, इस महल की हर चीज पर अधिकार है। चुप रहो। जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? अपनी पत्नी से। होश में आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। खींच लो, मेरे तुम लोगों का मुंह थोड़ी बंद कर दोगी। मैं तुम्हारा पति हूँ और जीवन भर रहूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम जाते हो या नहीं? नहीं जाता। नहीं? अरे वो है यहाँ। चंपा मराना, पुष्पा, पुष्पा, चलो निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। और सुनो, बाहर कभी भूल कर भी इस विवाह की चर्चा नहीं करना, नहीं तो मुझसे बराबर नहीं होगा, समझे? निकलता हूँ। अपनी अभिलाषाओं की माला पहनाई थी वो एक मूर्ख है, गवार है। राजकुमारी, वो आपका पति है, वो देवता है जिसके चरणों पर आपका जीवन फूल बनकर चढ़ चुका है। पुष्पा, काश पंडितों को हराने के बजाय आपने अपने अभिमान को हराया होता, आत्मा और परमात्मा को समझने के बजाय पत्नी धर्म को समझने की कोशिश की होती, ब्याह के पवित्र बंधन के मूल्यों को समझा होता। पुष्पा, आंसू पोछने की बजाय तू मेरे घाव पे नमक छिड़क रही है। मैं तो आपके आंसू तब पोछती राजकुमारी जब पति को परमेश्वर समझकर काली को अपनाने की कोशिश की होती। पत्थर भी भगवान की मूर्ति बन जाता है, काली तो फिर भी आदमी है। चुप रहे, तू मुझे उपदेश दे रही है। जमीन पर रहकर आसमान छूने की कोशिश, जा चली जाइए। जाती या नहीं? जाती हूँ राजकुमारी, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज आपने अपने पति को ठोकर मारी है, आने वाला समय आपको भी ठोकर मारेगा।
एक दिन मैं आपका मस्तक काली के चरणों पे झुका कर रहूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सोचा था विवाह के बाद राजकुमारी राह पर आ जाएगी, अभिमान छोड़कर काली को अपना बना लेगी, परंतु यहां तो पासा ही उल्टा पड़ा। सचमुच मैंने दो जिंदगियों को नष्ट कर दिया। तो नहीं गुरुदेव, बल्कि मैं पुष्पा, क्या तू काली को प्यार करती है बेटी? गुरुदेव, बेटी काली तो पुरुष और राजकुमारी लक्ष्मी की लाड़ली, सोने चांदी के बीच उसका मन बहलता ही रहेगा, लेकिन तू मुझे क्षमा कर दे बेटी, क्षमा कर गुरुदेव। मैंने काली के चरणों पर राजकुमारी का मस्तक झुकाने की प्रतिज्ञा की है, मैं अपना जीवन देकर भी काली को विद्वान बनाऊंगी और राजकुमारी का भी मां चूर चूर कर दूंगी। धन्य हो बेटी, अगर लगन सच्ची तो तेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी, मेरा आशीर्वाद। जा बेटी, तेरा काली तुझे ढूंढ रहा होगा। तुम एक बिना सिंह के पशु हो, तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं। तू कौन है भाई, मुझे मरने से क्यों रोका है? छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये बलि का बकरा है। बलि का बकरा? तुम लोग बलि क्यों चढ़ाते हो? हमने मनोती मानी है, बलि पाकर देवी प्रसन्न होगी। ओह, तब तो आदमी की बलि पाकर देवी और भी प्रसन्न होगी। प्रसन्न तो होंगी, लेकिन महाराज ने नरबलि बंद कर दिए। फिर आजकल ऐसे वीर कहाँ जो हंसते हंसते देवी पर अपनी गर्दन निछावर कर दे। मैं करूंगा। क्यों हंसी उड़ा रहे हो? हंसी नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं, इसे छोड़ दो, मैं चलने को तैयार हूं। क्या सोच रहे हो भाई, मैं अपनी इच्छा से चलने को तैयार हूं, ले चलो मुझे देवी के पास। रुद्रकाली भद्रकाली महाकाली नमोस्तुते। माँ, जीवन से तंग आकर मैं तुम्हारी शरण में आया था, तो तुमने भी मुझे ठुकरा दिया। ले लो मुझे अपनी शरण में, ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ। मौत से पहले मरने का मत कर मन में तू विचार, जीवन है जीने के लिए, जीवन से कर तू प्यार। आंधी और तूफान तेरे धीरज की है पहचान, उठ आगे बढ़, मदद करेंगे स्वयं तुझे भगवान। माँ, मुझे प्रेरणा मिल गई, मैं इसे तुम्हारा वरदान समझकर जीवन से लड़ूंगा, विद्वान बनने की कोशिश करूंगा। माँ काली, पुष्पी, पुष्पा, काली,
मरनी। मरनी? घबरा नहीं पुष्पी, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मैं जीवन से लड़ूंगा, विद्वान बनने की कोशिश करूंगा। हाँ? तो फिर चल आचार्य के आश्रम में चल। नहीं पुष्पी, यहाँ हमें अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। हम लोग अपनी जन्मभूमि उज्जैन ही लौट चलेंगे। तुझे विद्वान बनाने के लिए मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने तेरे चरणों पर राजकुमारी का मस्तक झुकाने की प्रतिज्ञा की है। ये कभी नहीं हो सकता। इस रीत रिवाज और रूढ़ियों के सामने गर्दन झुकाने वाली कोई और होगी, विद्योत्तमा नहीं। वो ब्याह नहीं धोखा था। मैं उस गवार को अपना पति कभी नहीं मान सकती। तो क्या सारा जीवन तू पति के बिना बिताएगी? क्यों, पति के बिना जीवन नहीं बिताया जा सकता? बहुत मुश्किल है बेटी, इसको हमेशा सहारे की जरूरत होती है। ये पुरुषों का बनाया हुआ शब्द जाल है। स्त्री स्वयं शक्ति है, उसे सहारे की कोई जरूरत नहीं। पति के बिना स्त्री की शक्ति अधूरी रहती है बेटी। तुझे अपने पति से समझौता करना ही होगा। ओह पति पति पति, मैं घोर की पूजा कर सकती हूँ माँ, लेकिन हार मास के उस पुतले की नहीं, जिसे लग्न मंडप में बोले गए चार श्लोक पति के रूप में परमेश्वर होने का अधिकार सौंप देते हैं। ये सभ्यता के नाम पर स्त्रियों का बलिदान है, उनकी स्वतंत्रता की समाधि है, घोर अन्याय है। मैं इस अन्याय के सामने सर नहीं झुकाऊंगी, कभी नहीं झुकाऊंगी। आज्ञा राजकुमारी जी। मैं पूछती हूँ तो कहाँ थी अब तक? क्षमा कीजिए राजकुमारी, आज मेरे पति का जन्मदिवस था, आरती उतारने में देर हो गई। आरती? आरती भगवान की उतारी जाती है मूर्ख, हर मास के पुतले की नहीं। पत्नी का भगवान तो उसका पति ही होता है राजकुमारी। तो फिर यहाँ नौकरी करने क्यों आती? अपने से भगवान समाधि को नहीं मानती? रोटी तो भगवान ही देता है, आपकी नौकरी तो केवल बहाना है। बहाना? तो फिर मेरी सेवा करने के बजाय उसी भगवान की आरती उतारनी चाहिए जो तुझे रोटियां देता है। जा चली जा यहाँ से। राजकुमारी मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। राजकुमारी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने आई है? पति का नशा कितने का नशा है? छोड़ दे मेरा पांव। हरगिज नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ, इस पेट में मेरे पति का प्रसाद है, अब उसका अपमान किया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही है? राशि का यह साहब, आपका ये अभिमान सदा नहीं रहेगा राजकुमारी। जो विवाहित होने पर भी विधवा का जीवन बिता रही है, उस पति के प्यार को, उस प्यार से उत्पन्न होने वाले अमर आनंद को कैसे जान सकती है? जिस नारी का हृदय प्यार और ममता से खाली हो, जिसमें माँ बनने की अभिलाषा मर चुकी हो, उस स्त्री नहीं खंडर की टूटी हुई मूर्ति है, जल से भेजती जिंदा लाश है। चंपा, बहन, मैं तुझे अपना हृदय चीर कर दिखा सकती। मैंने भी हर कुमारी लड़की की तरह ही अपना देखा था, मैं भी अपने पति के प्यार में खो जाना चाहती हूँ, इन बाहों के पन्ने में मुस्कुराते हुए चांद को देखना चाहती हूँ। लेकिन चंपा तू ही बता, मैं इस गवार से कैसे समझौता कर लूँ? कैसे समझौता कर लूँ चंपा? रामो हरि करि भूव्रत भानो करता चंद्रमा तस्थिवान भगवान आत्मा दशयते कुंची नायक राम राम रामो रामो रामा रामा इति प्रथमा इति प्रथमा रामम रामम रामो रामो रामान रामान इति द्वितीया रामे रामे रामाभ्याम रामाभ्याम रामे रामे इति तृतीया इति तृतीया भवति भवतः भवन्ति भवति भवतः भवन्ति भवति भवतः भवन्ति भवति काली रात काफी हो चुकी सो जाओ। काली काली सवेरा हो गया, उठो।
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्या जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां गाढ्यांधकारापहां हस्ते स्वातिक मालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां जय सरस्वती जय सरस्वती शक्ति दे सती तेज दे गति फेर दे मति आज कंठ से फूट पड़े माँ अमृत की वाणी वरदान रूप में ज्ञान दान दे हे वीणा बाणी जय जय सरस्वती शक्ति दे सती भाव भारती करे आरती विद्या करे प्रणाम स्वयं कल्पना उपमाओं की वर्षा करे ललाम प्रात हो मेरे दास छंद हो बंदी आठों याम मेरी लेखनी में झूमे प्रकृति सारी अभिराम काव्य कुंज हो मधुनि कुंज हो प्रणय कुंज हो भाव गुंज हो शब्द शब्द गुंजार उठे घर घर में कल्याणी वरदान रूप में ज्ञान दान दे हे वीणा बाणी जय जय सरस्वती शक्ति दे सती जय जय सरस्वती शक्ति दे सती जय जय सरस्वती जय जय सरस्वती जय जय सरस्वती काली काली कमल नाल सम छीन कटी भौहे काम कमान कनक छुरी सी कामिनी मारे चितवन बान काली काली तेरे मुंह से कविता प्रसन्न हो गई माँ सरस्वती तुझ पर प्रसन्न हो गई काली अब मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी काली शुरू कर दे कविता लिखना शुरू कर दे कविता हाँ शुरू कर दे काली लिखना शुरू कर दे से लिखती धरती नई कहानी नए नए रंगों से लिखती धरती नई कहानी तन मन को पल भर में बदलती ऋतुएं ये ऋतुएं बड़ी सुहानी ये ऋतुएं बड़ी सुहानी सुंदर अति सुंदर ऋतुओं का कितना सजीव और रोमांचकारी वर्णन किया है अब तुम काली नहीं कवि कालिदास के नाम से कविता करोगे बस गुरुदेव मैंने सुना है काशी में एक विराट कवि सम्मेलन होने वाला है मेरी इच्छा है तेरा काली भी उसमें भाग ले हाँ गुरुदेव ऐसा ही होगा बेटी क्षमा कीजिए गुरुदेव मैं अपने को योग्य नहीं समझता तुम कितने योग्य हो ये तो समय बताएगा बस ये लो और सम्मेलन में जाने की तैयारी करो जो आज गुरुदेव
छीन पयो धर छीन कटी भाहे काम कमान कनक छुरी ती कामिनी मारे चितवन बान बहुत अछूती कल्पना है कनक छुरी सी कामिनी मारे चितवन बान स्त्री के रूप का कितना सुंदर वर्णन जियो कविराज जियो हमारी भी उम्र लेकर जियो एक बार तो फिर से सुनाओ मित्र ठहरो कविराज सभापति महोदय जनता में गंदगी का प्रचार न हो ये देखना आपका कर्तव्य है तुम्हें कालिदास की कविता में कौन सी चीज बुरी मालूम हुई एक हो तो बताऊं जो कविता हमारे विचारों पे बुरा प्रभाव डालती हो हमारी वासना की आग में आंती का काम करती हो वो कविता नहीं कविता के नाम पे कलंक है जनता और समाज के लिए भी श्राप है शिवनाथ जी यदि कालिदास की कविता आपको पसंद नहीं है तो कानों में रुई डाल लीजिए या सम्मेलन छोड़कर चले जाइए लेकिन हमारा आनंद किरकिरा न कीजिए सभापति महोदय श्रृंगार रस साहित्य का एक प्रधान अंग समझा जाता है कवि की कोमल भावनाओं का वो प्रतीक उसे बुरी चीज का प्रचार समझना तुम्हारा ज्ञान है सर्वराज जी गुरु जी आचार्य की बुद्धि सठिया गई है अब इनके साथ रहने में अपना कोई कल्याण नहीं चले यहां से चले यहां से मैं कहता हूं आचार्य कवि जनता तुम्हारी कविता सुनने के लिए अधीर सुनाओ कवि सुनाओ रंगों से लिखती धरती नई कहानी नए नए रंगों से लिखती धरती नई कहानी तन मन को पल भर में बदलती ऋतुएं ये ऋतुएं बड़ी सुहानी ये ऋतुएं बड़ी सुहानी ग्रीष्म महीने में कामनिया धूप लगे कुंभलाए इस ऋतु में वो अगर चंदन का अंग मेले फुलगाए सूख गया है सरोवर का जल सूख गई सरिताएं सूख गए हैं पीपल के दल मुरझाई है लताएं जाने कहां घबरा के छुपी है चंचल आज हवाएं ऊँघ रहे डालों पर पंछी पंखों में चोंच छुपाए पंखों में चोंच छुपाए अंग अंग में आलस छाया अंग अंग में आलस छाया अखियां है अखुलानी तन मन मो पल भर में बदलती हुए ये ऋतुएं बड़ी सुहानी ये ऋतुएं बड़ी सुहानी घुमड़ घन घर जत आए बरखा ऋतु सुखदाई घुमड़ घुमड़
घन घर जत आए पर खारित सुख दाई दादूद मोर पतिहा बोले दादूद मोर पतिहा बोले हरी हरी धरती की चुनरिया डोले विदहन को दुखदाई विदहन को दुखदाई जीजी नार खड़ी रथ बंसी जीजी नार खड़ी रथ बंसी झिम झिम बरसे पानी तन मन को पल भर में बदलती ऋतुएं ये ऋतुएं बड़ी सुहानी ऋतुएं बड़ी सुहानी शरद सुहावन ऋतु मन भावन शरद सुहावन ऋतु मन भावन मदन बदन में अगन लगावन शरद सुहावन कुंज कुंज में वन निकुंज में कुंज कुंज में वन निकुंज में भ्रमर कुंज गुंजार करे लहरों के चंचल अंचल में शरद चंद्रिका प्यार भरे शरद चंद्रिका प्यार भरे पिया की बाह में कसी कामिनी की बाह में कसी कामिनी मन ही मन तक जानी तन मन को पल भर में बदलती ऋतुएं ये ऋतुएं बड़ी सुहानी तीन पयो धरे सीन कटी भावे काम समान कनक छुरी सी के आश्रम में कोई कवि आए हैं अच्छा सा नाम है क्या नाम है उनका कालिदास हाँ राजकुमारी सारी नगर में उनकी कविता की धूम मची है चंपा ये कवि कालिदास कहीं मेरे स्वामी काले तो नहीं आप तो पत्थर पर हरियाली की कल्पना कर रही हैं राजकुमारी न जाने क्यों यह नाम मुझे चुंबक की तरह खींच रहा है मेरे हृदय का ये विस्तार गूंज रहा है मेरा मन कहता है वो और कोई नहीं पर मेरे स्वामी है मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी लोगों की इच्छा है कि तुम यहीं रहो लेकिन मैं चाहता हूं इस आश्रम की शोभा बढ़ाने के बजाय तुम सारे भारतवर्ष की शोभा बढ़ाओ महाकवि मेरा आशीर्वाद साहित्य जगत में तुम चांद और सूरज बनकर चमकोगे इस देश के इतिहास में हिमालय और गंगा की तरह तुम्हारा भी नाम अमर हो गुरुदेव ये सब आप ही की कृपा है कवि जब तुम यहाँ तक आए हो तो राजकुमारी से भी भेंट कर लो गुरुदेव ये नहीं हो सकता समुद्र नदी के पास कभी नहीं जाएगा मेरी प्रतिज्ञा तो उस दिन पूरी होगी जिस दिन राजकुमारी स्वयं कवि के पास आएंगी और इन चरणों की धूल को सिंदूर समझकर
अपनी मांग का श्रृंगार करेंगी। आचार्य, प्रणाम आचार्य। आयुष्मती, कैसे आना हुआ राजकुमारी? सुना है आपके यहाँ कालिदास नाम के कोई कवि आए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो उनकी कविता आपको बहुत पसंद आई? जी हाँ। लेकिन उनसे मिलकर आपको खुशी न होगी राजकुमारी? क्यों? कवि कालिदास आपके वही मूर्खपति काली हैं, जिन्हें धक्के देकर आपने महल से निकाल दिया था। आचार्य, मेरा मन भी यही कहता था, मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर क्षमा मांगना चाहती हूँ। बताइए वो कहाँ है? राजकुमारी, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चले गए। चले गए कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु कोशिश करो, शायद गंगा घाट पर भेंट हो जाए। गंगा घाट पर? मान मान नीता अभिमान हो गया चूर, फिरे ढूंढती बावरी बन बन मन का मयूर। नमस्ते राजकुमारी जी। तुमने यहाँ से कवि कालिदास को जाते हुए देखा? वो तो कब से चले गए? चले गए? निराश न होइए राजकुमारी, एक दिन उनसे अवश्य भेंट होगी। चलिए घर चलिए। महामंत्री, सभा की कार्रवाई शुरू। माननीय सभासदों तथा प्रजाजनों, आज राजकुमारी प्रभावती के पदपूर्ति का अंतिम दिन है। पूर्ण घोषणा के अनुसार पदपूर्ति करने वाले को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी, और जिसकी रचना सर्वश्रेष्ठ होगी उसे पुरस्कार के साथ साथ राजकवि बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पद है कमले कमलोत्पत्ति सूए से न तु दृश्यते, कमल पर कमल की उत्पत्ति सुनी गई है लेकिन देखी नहीं है। इस पद की पूर्ति हम अपने राजकवि श्री शिवनाथ से सुनना चाहते। क्षमा कीजिए महाराज, इस पद की पूर्ति हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। हाँ। महाराज विक्रमादित्य की राजसभा के भोज पर जिनकी कीर्ति देश देशांतर तक पहुंच चुकी है, एक छोटे से पद की पूर्ति नहीं कर सकते। महाराज की जय हो। कवि कालिदास पधारे हैं महाराज। कवि कालिदास? ऋतु संहार के रचयिता। उन्हें आदर पूर्वक लिया। जो आज्ञा महाराज। अब क्या होगा गुरुदेव, शैतान यहां भी आतंक का, ये तो अपना पीछा छोड़ता ही नहीं। देख लिया जाएगा। आप देखते ही रह जाएंगे और वो मैदान मार ले जाएगा। यहां से उखड़े तो बस विधवा स्त्री की जो हालत होती वो अपनी हो जाएगी। चुप रह। पधारिए, कवि दंपति को हमारा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजन। लेकिन पुष्पावली मेरी पत्नी नहीं, मेरी सखा है, मेरी प्रेरणा। ओह, साथ देखकर भ्रम हो गया था, क्षमा करो देवी। महाराज आप तो मुझे लज्जित कर रही हैं। राजकुमारी, ऋतु सिंहार के एक एक पद को तुमने अपने प्राणों में घुसा दिया, और उस
के रचयिता से इतनी दूर खड़ी हो? आओ, कवि महाशय को प्रणाम। आयुष्मती। पिताजी, मेरे पद की पूर्ति आप ही से करवा लीजिए ना। क्या बात है राजकुमारी? आज से दो सप्ताह पहले मैंने पूर्ति के लिए पद दे रखा था। आज अंतिम दिन है, लेकिन पद पूर्ति कोई नहीं कर सका। अच्छा, क्या है वो पद? मैं भी तो सुनूं। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। वाह, बड़ा सुंदर पद है। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। बाले तो मुखाम्बुजे कसम इंदी वरद्यम। बाले तब मुखाम्बुजे कथम इंदी वरद्वयम। हे बाले, तेरे मुख रूपी कमल पर नेत्र रूपी दो नील कमल नहीं तो क्या है? वाह कवि, जिस पद की पूर्ति हमारे रत्न भी न कर सके उसे आपने क्षण में कर दी। धन्य हो सकते कवि कालिदास की। कवि कालिदास की। कवि कालिदास की। हमारे नवरत्न सभासदों तथा नागरिक कवि कालिदास को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार तथा राज कवि की पत्नी दी जाती। बोलो महाकवि कालिदास की। वाह प्रभु वाह, आज तुमने हमारी लाज रखी। ये संभालो राज कवि का पद। कौन? शिवनाथ जी आप? तुम्हें देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। उज्जैनी के राजकवि महाकवि कालिदास। धन्य हो बंधुवर, तुम धन्य हो। महामंत्री। आज्ञा महाराज। कवि के रहने का उचित प्रबंध किया जो आज्ञा। महाराज, सेवा करने का ये अवसर मुझे दिया जाए, मैं इनके रहने सहने का प्रबंध ठीक ठाक किए देता हूँ। चलो कविदास। पिताजी। राजकुमारी, क्या बात है? आज तुम नृत्य सीखने नहीं गई? बात यह है पिताजी, नृत्य तो संगीत का काफी अभ्यास हो चुका, अब उसे मेरा मन नहीं लगता। मन? तो फिर तुम क्या सीखोगी बेटी? पिताजी, मैं कवि कालिदास से कविता सीखना चाहती हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। हम स्वयं कवि से कह देंगे। कौन कहता है कि सोने में सुगंध नहीं होती? सौंदर्य और कला का कितना सुंदर मेल। कवि, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? मेरी आंखों ने मेरे हृदय से यही कहा है। आपकी पुष्पावली से भी अधिक। पुष्पावली का सौंदर्य कवि की कल्पना की तरह मधुर है, चांदनी की तरह शीतल। और मेरा? तुम्हारे सौंदर्य में पहाड़ी नदी का शोर है, नशे की बेहोशी है, बाढ़ का तीखापन है। ऐसे सौंदर्य को हमेशा सफलता मिलती है राजकुमारी। लेकिन मुझे तो अभी तक सफलता नहीं मिली कभी। मिल जाएगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? राम के लिए सीता को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। गौरी माता की पूजा किया करो, सब ठीक हो जाए। खूब याद आया, कल महाशिवरात्रि है कभी, महाकालेश्वर के मंदिर में मेरा नृत्य होगा, आएंगे ना? तुम नृत्य करोगी? आऊंगा, जरूर आऊंगा। दिगंबराय गौरी विलास
जन्म जन्म की प्यासी रे, मैं तो जन्म जन्म की प्यासी रे, मुझे अपनी बना लो दासियों, मैं तो जन्म जन्म की प्यासी रे, मुझे अपनी बना लो दासियों। गाता हूँ सुख तोड़ जोड़ सुर को मरोड़, संगीत में गीत सुनाता हूँ, कर छंद बंद स्वछंद मंद गति से आनंद दिलाता हूँ, हो जाए भला भर जाए कला, वह नाच छटा सिखलाता हूँ, देवी ओ देवी आई नाथ,
दोनों मेरा साथ, जीवन पथ पे भटक रहा हूँ। थामो मेरा हाथ। जारी चाबू गवार, तेरे नखरे हजार, जा, सुन ले, आज से मैं नहीं हूँ तेरी नार। बंद करो ये बकवास। ये राजसभा है, कोई नाटक मंडली नहीं। प्रतिहारी, शर्मनाक को बाहर निकाल दो। क्षमा कीजिए महाराज, शर्मनाक ने जो कुछ सुनाया वो मेरा लिखा हुआ नया नाटक। शिवनाथ जी, अगर यही नाट्य साहित्य है तो फिर समाज का पतन दूर नहीं। कवि के नाते हमें ऐसे साहित्य का निर्माण करना चाहिए जो समाज के लिए आदर्श हो। ऐसे ही आदर्शवादी है तो कुछ आप ही लिखकर दिखाइए ना महाराज। प्रथा के अनुसार राजकवि वही हो सकता है जो कवि के साथ साथ नाटककार भी हो। कविता लिखना है तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन नाटककार की कुछ बात ही और। कवि, तुम्हें शिवनाथ की चुनौती स्वीकार करनी होगी। मैं तैयार हूं महाराज। तो फिर लिखना आरंभ कीजिए। नाटक लिखा जा चुका है महाराज। अच्छा, क्या नाम रखा है? अभिज्ञान शाकुंतल। शकुंतला के संग किया वन में गंधर्व विवाह। कर विवाह देकर वचन निपुण किया प्रस्थान, किंतु साप वश भूल गए वो शकुंतला का ध्यान। भूल गए क्यों देकर वचन, तन को जलाए विरहागन। या चले आओ या मुझको बुलाओ, दर्शन दिन अकुलाए नयन। भूल गए क्यों देकर वचन, भूल गए भूल गए भूल गए। माँ की ममता भरी दो अखियाँ करुणा से भर आई, पिता कर्ण लाडली शकुन को देते आज विदाई। रोने लगे आश्रम के सखियाँ सहेली, रोने लगे
कोई कह सके पिता के जी का हाल, हाथों में आशीष है हृदय में है भौचाल। नैनों में उल्लास था मन में मिलन दिया, माँ के संग शकुंतला पहुंची पिया के पास। बदल गए दुष्यंत नृप विधि का अजब विधान, दुर्वासा के शापवश सके नहीं पहचान। कौन हो कहां से आ रही अजान नार तुम, क्या बताऊं जब बुलाते हो हमारा प्यार तुम। प्यार कैसा प्यार, प्यार कैसा प्यार, झूठ खोलती जबान तुम। देख लो दिया हुआ अंगूठी का निशाना तुम। मैं न जानता तुम्हें ये कैसा नारी दंश है, मेरे गर्भ में तुम्हारे वंश ही का अंश है। जा अपने घर सुंदरी, खड़ी यहाँ क्यों मान। जा कलंक नीतिया नहीं तो हम भी तुम्हारे काम। रातें बीती क्रूर विधाता ने बर किया, बन के अभागन फिर भी सुहागन ने बालक को जन्म दिया। पुत्र भरत को देख के मगन हो गई आर्य पुत्र, यह सूर्य चंद्र के तेज को भी हरता था। एक दिवस दुष्यंत भूल के मार्ग वहां जो आए, वहीं आई शकुंतला हिले हृदय के तार। देखो अंगूठी याद आ गया वो आचम का प्यार। कर से सब दुर्भाग्य हटा और मिटा अंधेरा घोर। नाटक कैसा रहा पुष्पावली? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। कवि, तुम्हारी सफलता पर मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा लगता है तुम मुझसे बहुत दूर होते जा रहे हो। पुष्पा। हाँ कवि, अब ना वो पुरानी तकरारें रही ना वो मीठी झड़कियां, अब मैं तुम्हारी पुष्पी से पुष्पावली बन गई। पहले में हृदय का प्यार था, दूसरे में केवल बनावट की चमक है। नहीं पुष्पी, तुमसे दूर होते ही मेरी कविता नष्ट हो जाएगी।
तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी सखा हो, जैसे राधा कृष्ण की सखा थी। और विद्योत्मा? विद्योत्मा समाज की दृष्टि से वो मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। गुरु? हाँ पुष्पी, मुझे काली से कालिदास बनाने का श्रेय उन्हीं को है। भगवान उन्हें सुखी रखे। मैंने राजकुमारी जी, अब आप चुप हो जाइए, अधिक बोलने से तबीयत और खराब हो जाएगी। चंपा, मैंने तो तुझे ही अपना गुरु माना है। राजकुमारी, एक दिन तुम्हें ही तो कहा था कि जो स्त्री सुहागन होकर भी विधवा का जीवन बिता रही है, वो खंडेर की टूटी हुई मूर्ति है, चलती हुई ते जिंदा लाश है। चंपा, राजकुमारी घबराओ नहीं। चंपा, मेरी एक अभिलाषा जरूर पूरी कर देना। आखिरी सांस टूटने से पहले मेरी मां ने सिंदूर भर देना, और इस चित्र को मेरी बाहों की खोद में रख देना। चंपा, मेरी गोद में रख देना। चंपा, एक बात कहूं महाराज? कहो। राजकुमारी का कविता सीखना बंद कर दीजिए। क्यों? कवि कालिदास हृदय श्रृंगार रस के कवि, और राजकुमारी, उनका अधिक मिलना जुलना ठीक नहीं, न जाने कब भूचाल आ जाए। महारानी, तुम हमारे कवि को अभी तक नहीं पहचानते। पानी में आग लग सकती है, किंतु हमारे कवि का हृदय। महाराज की जय हो। शिवनाथ, इस समय कैसे आना हुआ? मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। कैसी चेतावनी? आपकी इज्जत खतरे में। क्या कहा? अगर महाराज ने जल्दी ध्यान न दिया तो राजकुमारी और कवि कालिदास का प्रेम घर घर की कहानी बन जाएगा। शिवनाथ, तुम हमारे कवि को बदनाम कर रहे। महाराज को जरा सा कष्ट करना होगा। राजकुमारी के कमरे तक चले जाइए और अपनी आंखों से देखिए कि वहां क्या हो रहा है। क्या किया राजकुमारी? बड़े भोले हो कभी, स्त्री पुरुष को माला कब पहनाती है? जब पुरुष कोई बड़ा काम करके लौटा हो या कहीं जाने के लिए विदा हो रहा हो। नहीं कभी। फिर सीता स्वयंवर में क्या हुआ था? राम ने धनुष तोड़ा था। उसके बाद परशुराम की और लक्ष्मण की गर्मा गर्म बातें हुई थी। ओहो, सीता ने राम को माला नहीं पहनाई थी? पहनाई थी। उसी तरह मैंने भी आपको माला पहनाई है। क्या कहा? कभी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। राजकुमारी, तुम्हारे होश हवास ठिकाने हैं या नहीं? होश हवास? मैं तो उसी दिन बेहोश हो गई थी जिस दिन आपने मेरे पद की पूर्ति की थी। जो कुछ कमी थी अब ज्ञान शकुंतल ने पूरी कर दी। मुझे इन चरणों की दासी बना लो, दासी बना लो कवि। राजकुमारी, तुम्हारा ये वतन, अपने हृदय का जहर उगलने से पहले तुमने गुरु और शिष्य के संबंध का भी विचार न किया? तुमने ये भी न सोचा कि शिष्या बनकर? कवि, कविता सीखना तो तुम्हारे नजदीक पहुंचने का एक बहाना था। मैं तुमको हृदय से अपना गुरु नहीं मानती। लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी शिष्या समझता हूँ, और जिस दिन गुरु और शिष्या के बीच में प्रेम की होली जल उठेगी, उस दिन आसमान पृथ्वी पर आ जाएगा और पृथ्वी रसातल को पहुंच जाएगी। राजकुमारी, मेरे रास्ते जाओ। कवि, इतने निछुना बनो, मेरे प्रेम को ना ठुकराओ। राजकुमारी। कवि, कवि। राजकुमारी।
राजकुमारी। पिताजी, कवि, हम जानना चाहते हैं अभी अभी कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा था? प्रेम दर्शन। प्रेम दर्शन? सुन लिया आपने? आप कहते थे पानी में आग लग सकती है, लेकिन मेरे कवि का हृदय, इसने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की है। उड़ा दीजिए इसकी गर्दन। महारानी, तुम्हें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। राजकुमारी, हम जानना चाहते हैं कि सही अपराधी कौन है। राजकुमारी, तुमने सुना नहीं कि हम क्या पूछ रहे हैं? महाराज, राजकुमारी निर्दोष है। कभी तुम्हारा इतना पतन हो सकता है, इसकी मुझे आशा नहीं थी। मुझे दुख है महाराज, मैं आपके विश्वास की रक्षा न कर सका। वासना का फल उठाने से पहले तुम्हें गुरु और शिष्य के संबंध का विचार भी ना रहा। रूप का आकर्षण बड़ा प्रबल होता है महाराज, अच्छे अच्छे योगियों की समाधि भंग हो जाती है। मैं तो एक साधारण आदमी हूं। कभी तुम्हारा अपराध साधारण नहीं। जानते हो तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा? प्राण दंड। न्याय तो यही कहता है, लेकिन तुम्हारा खून राजकुमारी के कलंक को और भी गहरा कर देगा। द्वारपाल, इन्हें ले जाओ और सेनापति से कह दो कि इन्हें बंदी खाने में डाल दिया जाए। Thank you.
राजकुमारी जी, जरा सी तबीयत अच्छी हुई तो हवा में आकर बैठ गई। चलिए भीतर चलिए। महारानी की जय हो। क्या बात है, मैं महाराज से न्याय मांगने आई हूँ। कभी बिल्कुल निर्दोष है, हमने उनका अपराध अपनी आंखों से। वो आपकी आंखों का धोखा था महारानी, आपने जो कुछ भी देखा था वो कवि के कंधों पर लदा हुआ राजकुमारी के अपराधों का बोझ था। पुष्पावली, तुम राजकुमारी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। नहीं महारानी, बल्कि राजकुमारी के कारण कवि का बदनाम होना पड़ा है। कविता सीखने के बहाने हृदय में लगी हुई वासना की आपको ठंडक पहुँचाने की कोशिश करना, कवि की इच्छा न होने पर भी उन्हें दुष्यंत की भूमिका करने पर मजबूर करना। पुष्पावली, न भूलो कि तुम उज्जैन की महारानी के सामने बातें कर रही हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं महाराज से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तो मुझे शक्ति से काम लेना होगा। आप शक्ति से काम लेकर मेरा मुंह बंद कर सकती है, लेकिन सच्चाई पर पर्दा नहीं जा सकती महारानी। पुष्पावली, तुम अपनी मौत को निमंत्रण दे रही हो। मेरी मौत महाराज की न्याय की मौत होगी महारानी। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, महाराज ने पक्षपात किया है, राजकुमारी के प्यार ने उनके न्याय को अंधा बना दिया है, और फिर भूल जाने के डर से महारानी ने एक अबला की पुकार को अपने अभिमान के पैरों तले कर दिया। कोई है? द्वारपाल, पकड़ लो इसे और राजधानी से बाहर निकाल दो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं महाराज को अपनी औरत से बगैर नहीं जाऊंगी। मैं कहती हूँ उसको ले जाओ। नहीं, मैं राजधानी के बाहर जाने के बाद उसकी बात चिल्ला कर पाऊंगी। महाराज ने अन्याय किया है, पक्षपात किया है। मैं चुप नहीं रहूंगी महारानी, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। चलो। नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, देखो इसे, बचाओ। आषाढ़ के पहले बादल, रही जनों के करुण आंसु जल, रुक जा रे एक पल। दूर दूर मेरा देश जहाँ बिखराए केश, विरहन का बनाए वेश। प्रिया मेरी विदेश कैसे काटे कलेश, उसे देना मेरा ये संदेश। रे ओ आषाढ़ के पहले बादल, जारे जाओ मेघो मेरे दुख के साथ, चल ऐसे जो गगन मार्ग में चलता थी। मंद पवन और बाए चातक बोल रहा है, बांध कतार बगुलियों का दल डोल रहा है। राजहंस भी उड़ते हैं पंखों को ताने, मित्र विदा के समय हो रहे शकुन सुहाने। ओ आषाढ़ के पहले बादल, जाते जाते तुम्हें मार्ग में मिलेगा मालव देश, जहाँ मोहिनी मालिनियों का मधुर मनोहर वेश। आगे बरसन
आगे तुमको मित्र मिलेगी, कुरुक्षेत्र की भूमि विशाल, महाभारत के महायुद्ध की जहाँ जली थी एक दिन ज्वाल, कोटि कोटि जहाँ बरस पड़े थे रिपुदल पर अर्जुन के बाण, कमल दलों पर बरते जो तेरी बरखा के अगणित बाण। हिमगिरिश करों पर जहाँ बांस के वृक्ष महान, जिनके तन को छू कर छेड़े पवन हठीला मीठी तान, जिनकी तान में तान मिला कर गाती है किन्नरियां गान, उस संगीत के साथ गरज तू जागे पशुपतिनाथ महान। Thank you.
संबंध को कलंकित करने की कोशिश मैंने की थी। बोलो कवि, बोलो। बीती हुई बातों को भूल जाओ राजकुमारी, तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया। तुम जाओ राजकुमारी, तुम यहां से जाओ। कवि, आप भी मेरे साथ चलिए और पिताजी से कह दीजिए अपराध आपका नहीं, मेरा था। यह कभी नहीं होगा राजकुमारी। क्यों? पुरुष पर लगा हुआ कलंक पानी की लकीर के समान होता है, जिसे हवा सुखा देती है। लेकिन स्त्री पर लगा हुआ कलंक पत्थर पर खुदे हुए इतिहास के समान होता है, जिसे आने वाले सैकड़ों साल भी नहीं मिटा सकते। मेरे सच कह देने से तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो जाता, महाराज की यश कीर्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती। कभी महाराज, महाराज कवि, हमारी कीर्ति की रक्षा के लिए तुमने कितना बड़ा बलिदान दिया। कवि, तुम देवता हो, तुम देवता हो कवि। महाराज, कवि तुम्हारी कविता प्रतीक्षा करती होगी। चलो हम तुम्हें घर तक पहुंचा दें। पुष्पा, तुम आ गए कभी? कहाँ चले गए थे? पुष्पा कहाँ गई सड़क? उसका तो दो दिन से कहीं पता नहीं। गई कहाँ? सुना है महारानी ने किसी अपराध में उसे राजधानी के बाहर निकलवा दिया। राजधानी के बाहर निकलवा दिया? महाराज,
क्या बात है कवि, इतने परेशान क्यों? परेशान? मेरी आत्मा की शांति छीनने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं परेशान क्यों? मुझे आपकी लपटों पर सुलाने के बाद आप जानना चाहते हैं कि मैं तड़प क्यों रहा हूं? कवि, आज आपको ये क्या हो गया? हमने आपकी आत्मा की शांति छीन ली? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपको मेरे बारे में भूल हुआ था महाराज, लेकिन पुष्पावली तो निर्दोष थी। आपने कवि से उसकी प्रेरणा क्यों छीन ली महाराज? कवि, हम पुष्पावली के बारे में कुछ नहीं जानते। साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? सुना है महारानी ने उसे राजधानी से बाहर निकाल दिया है। महारानी? महारानी, हम ये क्या सुन रहे? तुमने पुष्पावली को राजधानी से बाहर निकाल दिया और हमें पता तक न दिया। आखिर उसका अपराध क्या था? वो आपसे मिलकर कवि को निर्दोष साबित करना चाहते थे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि महाराज ने पक्षपात किया है, राजकुमारी के प्यार ने उनके न्याय को अंधा बना दिया। उसने जो कुछ कहा उसे दोहराते हुए मुझे लज्जा आती है। आखिर सहन करने की भी सीमा होती है। मेरा फोन खोल उठा और मैंने द्वारपाल को बुलाकर उसे राजधानी से बाहर निकलवा दिया। महारानी, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें निर्णय देने का क्या अधिकार था? महाराज की जय हो। तुम ही लोग पुष्पावली को छोड़ने गए थे? अन्नदाता, पुष्पावली अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? पुष्पावली इस दुनिया में नहीं है? हाँ महाराज, शिवनाथ जी ने उन्हें शिप्रा नदी में फेंकवा दिया। शिवनाथ ने? द्वारपाल, शिवनाथ को इसी समय यहां लाया जाए। महाराज की जय हो। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज, मैं आपकी सेवा में स्वयं उपस्थित हूँ। शिवनाथ, तुमने पुष्पावली को क्षिप्रा नदी में फेंकवा दिया, यह बात सच है ना? महाराज, 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 मुझसे बड़ी भूल है, मुझे क्षमा कीजिए भगवान। क्षमा? कभी नहीं। द्वारपाल, इन्हें ले जाओ, कल सूरज निकलने से पहले इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। महाराज, मैं आपसे दया की याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। द्वारपाल, महाराज, ले जाओ इन्हें। महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कवि, ये क्या कह रहे हैं? इन्हें प्राण दंड देने के बाद भी पुष्पावली मुझे वापस नहीं मिली महाराज। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। शिवनाथ, कवि के कहने से हम तुम्हें प्राण दंड से मुक्त करते हैं, लेकिन तुम इसी समय राजधानी छोड़कर चले जाओ। कवि, हमें विश्वास है कि पुष्पावली आपसे विदा लिए बिना हर किस नहीं मर सकती। धीरज रखो, वो जहां भी होगी हम उसे खोज निकालेंगे। कवि, आप तो यहाँ बैठे हैं और वहाँ आपकी सखा आपके लिए तड़प रही है। कहाँ? चलिए मेरे साथ। आइए कवि, विराजी, मैं अभी आई। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, लाइए मेरा पुरस्कार, मैंने कवि महाशय को ढूंढ निकाला है। कहाँ है वो? उस कमरे में।
पुष्पे, पुष्पे। हाँ, आपकी पत्नी इन चरणों की दासी। राजकुमारी कवि, आदमी से भूल हो जाती है, मुझे क्षमा कर दो। तुमने कोई भूल नहीं की राजकुमारी, पूजा हमेशा गुण की होती है, पति के रूप में हाड़ मास के पुतले की नहीं। पति को हाड़ मास का पुतला समझने वाली राजकुमारी मर गई। अब मैं वो पत्नी हूं जो अपने पति को परमेश्वर से भी अधिक समझती है। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरे पैर, छोड़ो, भगवान के लिए मुझे पाप में न घसीटो। पाप? अपने पति के पैर छूना तो कोई पाप नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं अपना गुरु समझता हूं। गुरु? हां, मुझे काली से कालिदास तुमने बनाया। मैंने? तुमने सीढ़ियों पर से गिराकर मेरे जीवन में एक नई हलचल पैदा कर दी। मूर्ख आदमी बिना सीन का पशु होता है। तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे विद्वान होने की प्रेरणा दी। मुझे कवि के नाते जो सफलता, यश और कीर्ति मिली, उसका श्रेय तुम्ही को है राजकुमारी। पति पत्नी का संबंध तो अमर होता है, मुझे गुरु समझना आपकी भूल है कवि। लग्न मंडप में अपनी देवता को साक्षी मानकर आपने मेरा हाथ पकड़ा था, जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली थी। मैं जानना चाहती क्या उस शपथ की कोई कीमत नहीं, क्या वो दिखावा था? मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए पत्नी का प्यार नहीं, गुरु की श्रद्धा, भक्ति और पूजा है। कवि, आप भावना की आड़ लेकर कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं। मेरे लिए भावना का महत्व अधिक है राजकुमारी। जिस दिन मेरी भावना का अंत होगा, मेरी कर्ता मर जाएगी, और कर्ता की मृत्यु कालिदास की मृत्यु है। कवि, कवि, राजकुमारी, अभी तक मेरी परीक्षा का अंत नहीं हुआ चंपा, लेकिन मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी, उन्हें पाकर ही रहूंगी। न्यायमूर्ति महाराज अधिराज, विक्रमादित्य की जय हो। तुम कौन हो देवी? विद्योत्तमा। विद्योत्तमा? काशी नरेश की पुत्री? हाँ महाराज। महामंत्री, राजकुमारी को उचित आसन दिया जाए। महाराज, मैं इस समय आपकी प्रजा की हैसियत से यहाँ खड़ी हूँ, आपसे न्याय मांगने आई हूँ। न्याय? मैं जानना चाहती हूँ कि पत्नी का स्थान कहाँ होता है। पति के चरणों में। क्या इस सभा के सारे विद्वान आपके इस निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं? दिन को दिन कहने में किसे आपत्ति हो सकती है राजकुमारी? नहीं महाराज, आपकी सभा में एक ऐसे सज्जन भी हैं जो आपके इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं। कौन है वो? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। मुझे डर है महाराज, नाम जानने के बाद आपका निर्णय कहीं बदल न जाए। राजकुमारी, हमारा निर्णय आसमान की तरह रंग बदलना नहीं जानता, चट्टान की तरह अटल रहता है। तुम नाम बताओ। इस दरबार की शोभा और मेरे पति राजकवि कालिदास। क्या कहा? कवि कालिदास? ये तुम्हारे पति हैं? हाँ महाराज, एक दिन सप्तपदी और अग्नि देवता को साक्षी मानकर इन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था, और आज अपने चरणों की दासी बनाने से इनकार कर रहे हैं। आज हमारे सामने कठिन समस्या। एक तरफ भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास, और दूसरी तरफ भारत की महान विदुषी विद्योत्मा। ऐसे विद्वानों के बारे में हम क्या निर्णय दें? इससे तो अच्छा होगा कि कवि और कवि पत्नी में एक साहित्य चर्चा हो जाए। चर्चा में जिसकी हार होगी उसे दूसरे की इच्छा माननी पड़ेगी। परंतु महाराज,
महाराज, मैं तो स्वयं हार मानकर इनकी सेवा करने को तैयार हूँ। हिम्मत ना हारो देवी, आज हमें और हमारे सभाजनों को अपनी विद्वता का लाभ उठाने दो। अगर तुम्हारी श्रद्धा और लगन सच्ची होगी तो अवश्य विजय तुम्हारी होगी। शुरू करो। जीवन भरी उसकी खास, ये तो जुग जुग की है प्यार, ये तो जुग जुग की है प्यार। जिनका नाथ हो जाए कहाँ जब
त्रिपति ने छोड़ दिया साथ हो। एक जन्म क्या हजारों जन्म की जो संगिनी, उसके प्रेत पे की मौत का कठोर हाथ हो। ऐ गगन नगन पवन दशो दिशाएं बोल दो, नारी के धर्म में क्या भरम है भेद खोल दो। बाल जब बना सिंदूर मेहंदी बनी आग हो, मांग में सवार पेट जब लुटा सुहाग हो, लुटा सुहाग हो, लुटा सुहाग हो। इस नगर पे वो चले अनुगामिनी जवाब दो, सुहागिनी बनी या खागिनी जवाब दो। है जगत में जब पति मुझे कोई जवाब दो, किस चिता में वो जले सती कोई जवाब दो, किस चिता में वो जले सती कोई जवाब दो, कोई जवाब दो, कोई जवाब दो। जवाब दो कभी, जवाब दो। राजकुमारी विद्योत्मा, तुम्हारी विजय हुई। राजकुमारी विद्योत्मा की जय। राजकुमारी विद्योत्मा की जय। महाकवि कालिदास की जय। महाकवि कालिदास की जय। महाकवि कालिदास की जय। कालिदास, कवि कालिदास, पुष्पावली। पुष्पा, आनंद के शिखर पर पहुंचा दिया। राजकुमारी, आज मेरे भी आनंद का अंत नहीं, अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। शरीर और आत्मा मिलकर एक हो गए, अब मैं शांति से मर सकती हूँ। पुष्पावली, तुम रो रहे हो कवि। तुम्हारा बिछुआ मैं कैसे सह सकूंगा, अपनी प्रेरणा के बिना, अपनी सखा के बिना मेरी कविता नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी प्रेरणा नहीं मरेगी कवि, मैं राजकुमारी की आत्मा में तुम्हारी प्रेरणा बन के रहूंगी कवि। मेरे पास समय नहीं है कवि, मुझे तो वचन दो कि मेरे मरने के बाद, पुष्पा, मेरे मरने के बाद तुम कविता लिखना नहीं छोड़ोगे। वचन दो, वचन दो कवि, वचन दो कवि। मैं वचन देता हूं, मैं कविता लिखना बंद नहीं करूंगा। तुम्हारी याद प्रेरणा बनकर मेरा मार्गदर्शन करेगी पुष्पावली। वागर्थाविव संपृष्टो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीश्वरौ अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः गुरवापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्यप्यस्थितं रोदसी ओम।
अक्षर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षर एक ईश्वर ये स्थितोपि प्रणत बहुफले यस्वयं वृत्तिवासाः कांता सम्मिष्ट देहोक्त्य विषय मनसाम यह परस्ताद्य पीना ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।